हर उगते हुए सूरज के साथ एक नई सुबह की शुरुआत होती है। कुछ व्यक्ति स्तर के अभियान तो कुछ राष्ट्रीय स्तर के अभियान, जैसे गरीबी हटाओ अभियान, भ्रष्टाचार मिटाओ अभियान, बेटी बचाओ अभियान, बेटी पढ़ाओ अभियान, बचपन बचाओ अभियान, एक भारत अभियान, श्रेष्ठ भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान। ऐसे ही और भी कई सारे अभियान। ये सब देख हमने भी सोचा, चलिए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ते हैं और बढ़ाते हैं एक कदम स्वच्छता की ओर। एक दिन किसी कॉलोनी की सफाई करते समय एक अंकल ने हमें देखा और हमारा काम खत्म होने पर हमें अपने घर बुलाया। उन्होंने न केवल हमारे काम की सराहना की बल्कि सरकार की सोच और योजना की तहे दिल तारीफ की। लेकिन उनका पूछा एक सवाल हमेशा हमारे दिमाग में गूंजता रहा कि आखिर ये जितने भी तरह के अभियान शुरू होते हैं, एक वक्त के बाद किसी ढलते हुए सूरज की तरह अंधियारे में डूब क्यों जाते हैं? उनका पूछा हुआ सवाल गलत भी नहीं था, क्योंकि आज भी देश में गरीबी है, बेरोजगारी कायम है और भ्रष्टाचार तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आज भी बाल श्रम पर पूरी तरह रोक नहीं लग सकी है और आज भी बच्चे सड़कों पर भीख मांगते, कचरा बीनते भी आपको मिल जाएंगे। और रही बात स्वच्छ भारत मिशन की, तो कचरा हमें किसी भी गली, चौराहे और खाली प्लॉट पर मिल सकता है। लेकिन इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण नजर आती है कि कभी तो हालात सुधरेंगे। सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है और हम भी हर संभव प्रयास करते हैं। अंकल हमको ये समझाते रहे और इसी सोच के साथ हम स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े रहे। जब जहां जैसा भी अवसर मिला, शहर के इलाकों की सफाई करते रहे। पर हम सब जानते हैं वक्त बदल रहा है, मुद्दे बदल रहे हैं और देश बदल रहा है। मुद्दे खत्म नहीं हुए तो क्या, कम से कम सामने तो आ रहे हैं और सामने आ रहे हैं तो एक दिन इनका समाधान भी जरूर होगा। बस देश की इन समस्याओं को, इन मुद्दों को खत्म करने की हमारी चाहत, हमारा जज्बा कम नहीं होना चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है, जो लक्ष्य की चाहत है तो बढ़े जा उस ओर, तेरी मंजिल भी तुझे मिलेगी और तेरा लक्ष्य भी। पर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता, कभी राहें मुश्किल तो कभी आसान भी होंगी, चलते चलते रास्तों में थकान भी होगी। पर हर बार ये सोचकर कदम बढ़ाते रहना, बस एक कदम और, बस एक कदम और।